हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एंड आर पाठशाला। आज हम आपके लिए लाए हैं वेदांग व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग दो। जो मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे। और मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर बताइए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस तरह के प्रैक्टिस सेट मैं प्रतिदिन लेकर आ रहा हूँ और ये पुराने जो प्रश्न पत्र है उनसे मैं संकलन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं, ची जमा घय किम भवती। ऑप्शन देखेंगे काय अथवा चेय। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है काय। चजो कु घिन्यतो हो सूत्र से ये च को क और ज को ग होता है, तभी ये काय बनता है और उपधा को इसमें दीर्घ हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कुंती शब्देन कौन्तेय केन सूत्रेण भवति। ऑप्शन है तस्यापत्यम अथवा स्त्रीभ्यो ढक। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है स्त्रीभ्यो ढक। स्त्री प्रत्ययांत होने से इसमें कौन्तेय ढक प्रत्यय होके कौन्तेय शब्द बनता है। अगला प्रश्न लेते हैं, शुद्धम अस्ति। ऑप्शन है नगरम दक्षिणेन अथवा नगरस्य दक्षिणेन। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है दोनों, क्योंकि एनपा द्वितीय इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति भी होती है। एनप अंतेन योगे द्वितीय स्यात् षष्ठी तो होती है, द्वितीय भी होती है, इसलिए दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, गंगायाः पारात किम भवति। ऑप्शन देखेंगे पारे गंगात अथवा पार गंगम। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है पारे गंगात। इसमें पारे गंगात, मध्य गंगात, ये पंचमी के अर्थ में होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मुनित्रयम अत्र कस्य गणना न भवति। ऑप्शन है पाणिनेः कात्यायनस्य पतंजलेः भृतृहरेः। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है भृतृहरेः। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, कात्यायन वार्तिककार हैं और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, तो तीनों की मुनित्रय में गणना होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्ययः कतिविधः। ऑप्शन है द्विविधः अथवा त्रिविधः। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है त्रिविधः। प्रत्यय तीन प्रकार के बताए गए हैं, कृदंत प्रत्यय जो कि धातु में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में लगते हैं, और स्त्री प्रत्यय। अगला प्रश्न लेते हैं, शब्देन्दु शेखरः कस्य रचना। ऑप्शन देखेंगे नागेश भट्टस्य, वरदराजस्य, भट्टोजी दीक्षितस्य, कात्यायनस्य। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है नागेश भट्टस्य। नागेश शब्देन्दु शेखर जो है वो भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर लिखित व्याख्या है, और इनकी माता का नाम शती देवी, पिता का नाम शिव भट्ट, तथा इनका जो समय है वो 1730 से लेके 1810 तक का बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कातंत्रम इत्यस्य रचनाकारः कः। ऑप्शन देखेंगे शिववर्मा, क्षपणकः, वररुचिः, भट्टोजी दीक्षितः। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है शिववर्मा। कातंत्र के रचनाकार शिववर्मा। इसमें चार अध्याय मिलते हैं और 1400 सूत्र बताए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अष्टाध्यायाः प्रथमो अध्याय कः विषयः। ऑप्शन देखिए संज्ञा परिभाषा, समासः, कारकः, प्रत्ययः। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है संज्ञा परिभाषा। और अगर हम बाकी अध्यायों की बात करें तो दूसरे अध्याय में हमें समास तथा कारक की चर्चा, तीसरे में कृत प्रत्यय की चर्चा, चौथे पांचवें अध्याय में तद्धित प्रत्यय की, छठे में संधि, सातवें में सुप्तिंग, आठवें में द्वित्व विधान तथा थोड़ी बहुत संधि की चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्या अत्र कः प्रत्ययः। ऑप्शन देखेंगे टाप, चाप, नाप, डाप। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड, तो इसका सही उत्तर है चाप। देखिए वार्तिक है, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य।
सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या बनेगा तभी चाप प्रत्यय होगा, अन्यथा नीश प्रत्यय होके इसमें सूरी बनता है। सूर्यस्य स्त्री मानुषी अगर होगा मानुषी तब वहां पे सूरी बनेगा। आज का प्रश्न लेने से पहले पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं। पूछा गया था श्रेय शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका सही उत्तर था श्रेयस। विद्वस के समान शब्द रूप चलते हैं तो श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांस श्रेयांसम श्रेयांसौ श्रेयस बनता है। कई मित्रों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह चैनल के साथ और तैयारी करते रहिए। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। सा लेखम लिखति का कर्म वाच्य किम भवति, तया लेखम लिख्यते अथवा तया लेखः लिख्यते, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।